पढ़ रहे थे लास्ट टाइम ना, ठीक है, याद है आप लोगों को? काउंटिंग टेक्निक्स पढ़ रहे थे, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन। तो अब कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन के बाद जो है वो हम लोगों ने कर रहे हैं प्रॉब्लम्स ऑन सिंपल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो ये कुछ एक दो क्वेश्चंस मैंने आप लोगों की बुक से लिखे थे, और बाकी फिर अभी आगे टाइम मिलेगा तो वो भी लिख दूंगा। तो लेकिन पहला सवाल क्या लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल देखें, इफ अ डाई इज थ्रोन ओनली वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द डाई इज इवन लेस देन 3 या ग्रेटर देन 5, ठीक है। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है, कॉइन एंड अ डाई आर थ्रोन टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल, अ नंबर ग्रेटर देन 4, अ हेड एंड अ नंबर ग्रेटर देन 4। अच्छा, ये इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए क्या चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है बताएं मुझे ज़रा चार्ट में। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हमें क्या आना चाहिए? क्या किस चीज़ की बेसिक्स हमें आती होंगी तो फिर हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे, बताइए ज़रा। Do you people have any idea? Sample space की नीड होगी, बिल्कुल। तो यहाँ पे आप देखें, इधर लिखा हुआ भी है, देखें, ये आपके पास एक नोट है और इसमें लिखा हुआ है कि इसमें क्या बात लिखी हुई है, इसमें लिखा हुआ है, बिफोर स्टडिंग प्रोबेबिलिटी यू शुड गेट नॉलेज रिलेटेड टू सैम्पल स्पेस। पहले आपको सैम्पल स्पेस से रिलेटेड कुछ नॉलेज होनी चाहिए, उसके बाद ही हम लोग जो है वो इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोगों को जो सैम्पल स्पेस है वो बनाना आता भी होगा, बट थोड़ा सा हम यहाँ पे देख लेते हैं एक दफ़ा, क्योंकि रिव्यू कर रहे हैं तो सारी चीज़ें ही देखेंगे इसमें। देखें, सैम्पल स्पेस सबसे पहले सैंपल स्पेस की ज़रूरत होगी, और सैंपल स्पेस जो है वो तीन सैंपल स्पेस तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो आप लोगों को बनाने आने चाहिए, जिनमें से दो तो पेपर में भी बनाने होते हैं, चाहे क्वेश्चन में लिखा हुआ या ना लिखा हुआ। एक जो है वो आपके पास कॉइन का है, ठीक है, अब कॉइन एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, जितने भी कॉइन हो, और दूसरा आपके पास जो है वो डाइस का है। डाइस भी एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब ये आपको ना ये भी पता होना चाहिए कि यार, अगर फॉर एग्जांपल एक से ज़्यादा जो है वो कॉइन है या डाइस है, तो सैंपल पॉइंट्स कितने होंगे। तो उसके लिए जो है वो एक फॉर्मूला हमने बनाया, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं कि नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स मालूम करने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं फेसेस, और इसकी पावर में हम लिखते हैं नंबर ऑफ टाइम्स इट इज रोल्ड, ठीक है। यानी कितनी दफा, कितने नंबर ऑफ कॉइन है या कितनी दफा उसको रोल किया गया है, ठीक है, ये बात हम लोग इसमें लिखते हैं नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स फाइंड करने के लिए, ठीक है। इसकी एग्जांपल देख लें, इसकी एग्जांपल ये है कि अगर हम सैंपल स्पेस मालूम कर रहे हैं, अब आ जाते हैं यहाँ पे कि हम मालूम कर रहे हैं एक कॉइन का, तो बहुत सिंपल है, आप सबको आता होगा, एक कॉइन थ्रो करते हैं। अच्छा, इससे पहले ना आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि सैंपल स्पेस की डेफिनेशन क्या होती है। सैंपल स्पेस की डेफिनेशन पता है आप लोगों को? अब ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई हैं, पता है, डेफिनेशन वगैरह भी, थ्योरी भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है, क्योंकि अगर हो सकता है पेपर आपका एमसीक्यूज बेस्ड हो गया, जिसकी प्रोबेबिलिटी भी है, अगर एमसीक्यूज बेस्ड आपका पेपर हो जाता है तो फिर आप लोगों को सारी चीज़ों के कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से आने चाहिए। तो सैंपल स्पेस की डेफिनेशन क्या है आप लोगों को पता है तो ज़रा बताइएगा मुझे।
सेंट्रल स्पेस की डेफिनेशन चैट में लिख के बताइएगा, सेंट्रल स्पेस की डेफिनेशन क्या होती है। All possible outcomes. Set of all possible outcomes is known. हाँ बिल्कुल, a set of all possible outcomes is known as sample space. बिल्कुल सही बताया आपने हलीमा, आपने भी तूबा आपने भी। तो एक कॉइन को जब हम थ्रो करते हैं तो हमारे पास क्या आते हैं, आउटकम हेड और टेल, ठीक है जी। इसी तरीके से अगर फॉर एग्जाम्पल हम टू कॉइन्स की बात करें, तो अब सबसे पहली बात यह है कि मुझे ये मालूम करना है यार ये टू कॉइन्स में सैंपल पॉइंट्स कितने होंगे। सैंपल पॉइंट्स पता है ना आप लोगों को क्या होता है, सैंपल पॉइंट्स जो ये एलिमेंट्स ऑफ सैंपल स्पेस आर नोन एज सैंपल पॉइंट। अगर टू कॉइन्स होंगे फॉर एग्जांपल, तो टू कॉइन्स में हम जो है वो क्या करेंगे, टू कॉइन्स में कितने नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स आएंगे, कितने फेसेस होते हैं कॉइन के, दो। कितनी बार थ्रो कर रहे हैं, कितने कॉइन्स हैं, दो। टू की पावर टू कितना हो गया, फोर। इसका मतलब आउटकम्स कितनी आएंगी, फोर। क्या क्या आउटकम्स आ सकती हैं भाई, हेड हेड एक आउटकम तो ये आ सकती है, उसके अलावा क्या आ सकती है, हेड टेल और दो दफ़ा टेल भी आ सकता है और टेल हेड ये भी आ सकता है, ठीक है। सैंपल स्पेस में कोई भी चीज़ रिपीट नहीं होनी चाहिए, ऑल पॉसिबल आउटकम्स बट विद नो रेपिटेशंस, ठीक है। अच्छा जी, अब हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं, टू कॉइन्स तक हमने कर लिए, अब कुछ हम डिस्कस कर लेते हैं रिलेटेड टू डाइस। कि अगर डाइस एक होता है तो डाइस, दो होते हैं तो डाई। तो अगर एक हमारे पास डाइस, तो एक डाइस में हमारे पास कितनी जो सैंपल स्पेस है एक डाइस का, वो किस तरीके से बनता है, 1 2 3 4 5 6 बस टोट ऑल पॉसिबल आउटकम्स यही है ना, 1 से लेके 6 तक। और अगर टू डाई की बात करें हम लोग, तो मेरी बात को याद रखिएगा, आप लोगों ने बड़ी जो है वो अच्छे से जितनी भी थ्योरी है, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो भी पढ़ने सारे सब्जेक्ट्स के, क्योंकि हो सकता है भाई एमसीक्यूज बेस आपके पेपर्स हो। अच्छा जी, टू डाइस का जो सैंपल स्पेस है वो किस तरीके से बनता है, वो भी सिंपल है, ठीक है। 6 की पावर 2, 6 टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं और उसको कितनी बार थ्रो किया जा रहा है, 2 टाइम्स। 6 की पावर 2 कितना हो जाता है, 6 into 6 36। इसका मतलब है 36 आउटकम्स बनेंगी, ठीक है। तो ये तो आप सब लोगों के पास होगी ही कि 1 से, मतलब पहले 1 के साथ सारी टर्म्स लिखते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर 2 के साथ सारी टर्म्स को लिखते हैं, फिर 3 के साथ सारी टर्म्स को लिखते हैं टिल 6, ठीक है। ये आपने 2 की टर्म्स लिखनी है, 3 लिखनी है, 4 5, उसके बाद 6, इसी तरीके से। तो ये सैंपल स्पेस तो आपके पास बना हुआ है ना, कोई मसला तो नहीं है ना, पूरा बनाने की ज़रूरत तो नहीं है ना मुझे। अच्छा जी, अब जो है वो एक और चीज़ जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो हमारे पास आ सकते हैं, और हमें उसका सैंपल स्पेस भी मालूम होना चाहिए, वो है कार्ड्स। तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं जी 52। बिल्कुल बिस्मार सही कह रही, 52 कार्ड्स होते हैं टोटल, ठीक है जी। इन 52 कार्ड्स में 26, भाई मैं कुछ गलत लिख दूँ तो मुझे क्लिक, आप लोग जो है आप लोगों ने करेक्ट कर देना, करेक्शन कर दीजिएगा मेरी, क्योंकि बहुत दिनों के बाद जो है वो मैं खुद पढ़ा रहा हूँ भाई, तो बुक वगैरह तो मेरे पास है नहीं। 26 ब्लैक होता है, 26 रेड होता है, तो 26 ब्लैक में
26 ब्लैक में जो है वो हमारे पास आगे की कहानी क्या होती है, 13 क्या होते हैं, 13 होते हैं स्पेड्स, और 13 होते हैं क्लब्स। ठीक है, इसी तरीके से रेड में देख लें, रेड में हमारे पास क्या होता है, 13 हमारे पास होते हैं डायमंड्स, और इसी तरीके से 13 हमारे पास होते हैं हार्ट्स। है जनाब। अच्छा, इसके अलावा इसमें नंबर ऑफ फेस कार्ड्स, फेस कार्ड्स इसमें कितने होते हैं, फेस कार्ड्स होते हैं कितने, 12, इन्हीं 52 के अंदर 12 जो है वो हमारे पास क्या होते हैं, फेस कार्ड्स। ठीक है जी। और इन 12 फेस कार्ड्स में चार होते हैं किंग, सॉरी पहले बड़ा लिख लेता, चार होती हैं क्वीन, फिर चार होते हैं किंग, फिर चार होते हैं जैक, और हमारे पास चार होते हैं एस। ये इन्हीं 52 में होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चार हमारे पास होते हैं एस, यानी इक्के एज होता है। ठीक है भाई, तो ये यहाँ तक आप लोग देख लें, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन कोई प्रॉब्लम तो नहीं आपको। अभी मैंने सिर्फ सैम्पल स्पेस की थोड़ी सी बेसिक्स बताई हैं आप लोग। ठीक है, ये मैंने बस आप लोगों को बताया, सैंपल स्पेस की थोड़ी सी बेसिक्स बताई हैं। सैंपल स्पेस कॉइन का कैसे होता है, सैंपल स्पेस डाइस का किस तरीके से होता है, सैंपल स्पेस जो है वो जो है वो हम लोग कार्ड का किस तरीके से लिख सकते हैं। तो मैं स्टार्टिंग सारी चीज़ें बता रहा हूँ आप लोगों, और स्टार्टिंग सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ ताकि मतलब हो सकता है बीच में किसी का कोई कोई कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छा ना हो तो क्लैरिफाई हो जाए। ठीक है जी, तो ये सारा आप लोगों को मैंने बता दिया थिंग्स रिलेटेड टू सैम्पल स्पेस। ये शॉर्ट सा बताया, इसके अलावा भी सैम्पल स्पेस होते हैं, वो जब भी को जब बीच में क्वेश्चन के दरमियान में मैं आप लोगों को समझा दूंगा। अब आ जाते हैं आपके क्वेश्चंस की तरफ, और बुक से ही मैंने क्वेश्चंस लिए हैं आप लोगों के। ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले 6.20 देखें, 6.20 में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, तो 6.20 में हमारे पास लिखा हुआ है कि इफ अ डाई इज थ्रोन ओनली वंस, तो इसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा। इसका सैंपल स्पेस पहले बना लेते हैं, सैंपल स्पेस ऑफ वन डाई। सैंपल स्पेस ऑफ वन डाई किस तरीके से बनता है भाई, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सही जी। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द डाई इज इवन। तो पहले हम यहाँ पे एक काम करते हैं, हम यहाँ पे लिख लेते हैं प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। और प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम, फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। तो इसमें टोटल आउटकम क्या होगी, कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स नंबर ऑफ टर्म्स है, तो टोटल आउटकम तो हो गया सिक्स। और फेवरेबल आउटकम क्या होगा, पहले पार्ट में क्या लिखा हुआ है, इवन, पहला पार्ट कह रहे हैं, इसमें इवन नंबर्स कितने हैं, टू फोर सिक्स, तीन है इवन नंबर्स, तो ऊपर क्या लिखेंगे आप, थ्री। ठीक है भाई, अभी कैंसिल हो रहा है, थ्री वन दा थ्री, थ्री टू दा सिक्स, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, पहले पार्ट का आंसर हमारे पास आ गया वन अपॉन। क्या भाई, तो दैट सिंपल, सिर्फ थोड़ी सी इसमें लॉजिक होती,
बाकी तो सिंपल है। तो अब प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस में ना दो प्रॉब्लम्स होते हैं। एक प्रॉब्लम तो ये होता है कि इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, फॉर्मूलास का कोई ऐसा नहीं होता कि आपको बहुत सारे फॉर्मूलाज याद रखने पड़े, जैसे कि इससे पहले वाले चैप्टर में इंडेक्स नंबर्स में है कि आप लोगों को फॉर्मूलाज याद करने पड़ते हैं। इसमें कोई बहुत ज़्यादा फॉर्मूलाज या बहुत मुश्किल फॉर्मूलाज नहीं है। दूसरा, इसमें दूसरी बात यह है कि ये किसी भी क्वेश्चन के साथ ना इसका कोई सा छोटा सा पार्ट दे सकते हैं, छोटा सा पार्ट दे देंगे और बोलेंगे कि ये 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का है, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं। तो इस तरीके से एक साल हुआ हुआ भी है, मुझे याद है कि कुछ बच्चों ने ये वाला चैप्टर छोड़ दिया था, तो उनके साथ फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आया था क्योंकि ये सेक्शन बी में भी छोटे छोटे पार्ट्स बनकर आ गया था। अच्छा खैर, सेकेंड पार्ट क्या है? लेस देन थ्री। लेस देन थ्री कितने नंबर्स हैं? 1 और 2, 2। अच्छा, लेस देन थ्री और एटलीस्ट थ्री में बहुत फर्क है, याद रखिएगा। ठीक है, लेस देन थ्री, एटलीस्ट थ्री, एटमोस्ट थ्री, ये तीनों चीज़ें डिफरेंट हैं और इसी में फंसाता है एग्जामिनर। अभी तो खैर सिंपल क्वेश्चन आया है, पहले वही करते हैं। लेस देन थ्री, तो पहली प्रॉबिलिटी, पहला इवेंट ए था, दूसरा बी ले लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6, लेस देन 3 कितने नंबर्स हैं? 2, 2 1 2, 2 3 6। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी हो गई। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी क्या हो गया? 1/3। ये हो गया हमारे पास दूसरा क्वेश्चन। अब जो है तीसरा पार्ट हमारे पास क्या कह रहा था? तीसरा पार्ट हमारे पास कह रहा था ग्रेटर देन 5। तो ग्रेटर देन 5 किस तरीके से आएगा हमारे पास? ग्रेटर देन 5 कौन सा नंबर है? अब इसमें भी एटलीस्ट 5, एटमोस्ट 5, ग्रेटर देन 5, एग्जैक्टली 5, ये सारी चीज़ें डिफरेंट है, याद रखिएगा। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन 5। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6। ग्रेटर देन 5 कितने नंबर हैं? एक ही नंबर है, 6 है, बस यही आंसर है। अच्छा, अगर सवाल आ जाता है इसमें, आप लोगों से एक क्वेश्चन है मेरा, अगर इसमें लिखा हुआ होता है फोर्थ पार्ट, इसमें हम लिख देते हैं फॉर एग्जाम्पल कि आप इसमें बताएं एटलीस्ट 5, तो एटलीस्ट 5 में फेवरेबल आउटकम क्या होगा, ये आप मुझे बताएं। एटलीस्ट 5 का अगर क्वेश्चन आ जाए फॉर एग्जाम्पल, तो एटलीस्ट 5 में फेवरेबल आउटकम क्या होगा, ये आप लोगों ने बताना है। एटलीस्ट 5 में फेवरेबल आउटकम क्या होगा, किस तरीके से निकालेंगे। अगर क्वेश्चन में है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द डाई इज एटलीस्ट 5। चलो एटलीस्ट 5 का मतलब ही बता दो मुझे, एटलीस्ट 5 का मतलब क्या हुआ? हलीमा आपने 5 कैसे निकाला? सुबह आपने 4 कैसे निकाला? एटलीस्ट 5 का मतलब क्या है ये बताइएगा। एटलीस्ट 5 का मतलब है उर्दू का, ऐसे उर्दू में कर लो ना, एटलीस्ट 5 का मतलब है कम से कम 5। तो यानी आउटकम कम से कम 5 होनी चाहिए या 5 से ज्यादा होनी चाहिए, समझे आप लोग? एटलीस्ट 5 का क्या मतलब है? कम से कम 5 होनी चाहिए या 5 से ज्यादा होनी चाहिए। मतलब मैं आप लोगों को बोलूं यार कम से कम 20 रुपये होने चाहिए आप लोगों की जेब में, इसका मतलब क्या हुआ? या तो 20 रुपये होने चाहिए, एटलीस्ट 20, यानी या तो 20 रुपये होने चाहिए या फिर क्या हो सकते हैं, 20 से ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, एटलीस्ट 5 का मतलब समझे? एटलीस्ट 5 का मतलब होता है कम से कम 5, या तो कम से कम 5 या 5 से ज्यादा। तो यहाँ पे फिर फेवरेबल आउटकम क्या हो गया? कम से कम 5 या 5 से ज्यादा। तो क्या है 5 और 5 से ज्यादा क्या है? 6। ठीक है जी, इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगी? 2। कम से कम 5 का मतलब क्या कि कितनी फेवरेबल आउटकम होगी? 2, एक 5 और दूसरा 6। ये होता है एटलीस्ट 5 का मतलब। और अगर एटमोस्ट 5 हो जाता, इसका क्या मतलब है? एटमोस्ट 5, एटमोस्ट 5 का मतलब है ज्यादा से ज्यादा 5, 5 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा क्या 5, लेकिन 5 से कम हो सकते हैं, इसका मतलब है 1, 2, 3, 4,
ठीक है, एट मोस्ट फाइव का मतलब क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा फाइव, फाइव से ज्यादा नहीं, ज्यादा से ज्यादा फाइव। तो इसमें फेवरेबल आउटकम क्या हो जाती, 1, 2, 3, 4, 5, फाइव जी बिल्कुल काउंट करेंगे, क्योंकि एट मोस्ट फाइव का मतलब क्या है, ज्यादा से ज्यादा फाइव, तो फाइव इज इंक्लूडेड, फाइव को इंक्लूड करेंगे, फाइव को बिल्कुल इंक्लूड करेंगे। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे एग्जामिनर हमें थोड़ा सा फंसाता है। चलो बहरहाल होपफुली आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी।